तो योगी देखो अपने बर्थडे में खुद ही गुब्बारे फुला रहा है, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, दिन के हो रहे हैं 3:30 और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। प्लान था रीटा साहिब जाने का, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना आज योगी का बर्थडे करके, तो हम लोग बाइक से जाएंगे रीटा साहिब केक लेने के लिए, बट प्लान फिर कैंसिल हो गया था। तो दादा लोग टैक्सी गाड़ी में गए, तो योगी लोग सुबह शॉपिंग करके आ गए, तो सुबह फिर मैं सूट कर नहीं पाया, उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी को जो चक्कर आ रहे थे ना, सीने में दर्द, चक्कर और बुखार आ गया मम्मी को तेज़, तो फिर मैं सूट कुछ नहीं कर पाया। ऐसे को मम्मी आराम से भी रेस्ट करी, अभी भी मम्मी सर घूम रहा है, तो मम्मी के लिए दवाई मंगाई थी छोटी वाली दा से, मार्केट गए थे ना, तो टैक्सी भी यहाँ पे खड़ी चाचा की थी, तो मम्मी के लिए दवाई तो मंगाई थी, पर थोड़ा बहुत बुखार उतरा है अभी, प्रॉपर तक सही नहीं हो रखा है। आराम से मम्मी रेस्ट ही करी यहाँ पे। गाइज यहाँ पे खड़ी हुई है चाचा जी की गाड़ी, तो रोड बनने का फ़ायदा देखो, अब गाड़ी हमारे घर तक ही आ जा रही है। तो हमारे घर की रोड वैसे प्रॉपर तरीके से बनी नहीं, क्योंकि PWD से पूरी कटी नहीं है, 1 किलोमीटर कटने वाली थी, अगर 1 किलोमीटर कटती तो यहाँ तक पहुँच जाती, बट एक कटी 650 मीटर ही, आप लोगों ने देखा। गाइज वैसे रोड तो पूरी 1 किलोमीटर बननी थी, पूरे निशान लगे हुए थे, पर विभाग वाले ने बोल दिया हमारा पैसा खत्म हो गया, पता नहीं कैसे पैसा खत्म हुआ ये तो हमको भी नहीं पता, पर रोड प्रॉपर तरीके बन नहीं पाई। वरना देखो यहाँ पर आपको निशान दिख रहा होगा रेड वाला, तो यहाँ तक बन जाती है रोड, और रोड बनने का फ़ायदा चाचा जी की गाड़ी आपको सामने दिखाई। चाची जी आए लाइसेंस खोद के भी ले आई, ये देख लो भाई, चाची जी की 6 महीने की मेहनत सारा खत्म। हाँ, इससे 2 हो गए। अच्छा, 2 टप हो गए। अच्छा, 1 टप कहाँ है? घर एक सुबह चले गया। अच्छा, तारा भैया और चाची गई थी लाइसेंस की खुदाई करने के लिए, तारा भाई दोनों कुदाल से, चलो बढ़िया। क्या हो रहा है? अब तो मिट्टी हो रही है ना। अच्छा, मिट्टी टाइट हो रही है, मेहनत ज्यादा लग रही है। क्या हो गया, छाले पड़ गया हाथ में? अच्छा, तारा भैया तुम अपने हाथ दिखाओ। मेरे हाथ में कुछ, तुमने कुछ काम ही नहीं किया इसका मतलब। चलो बढ़िया है गाइस, तो पूरी मेहनत सफल होगी। चलो जितना भी हुआ, कुछ नहीं होने से अच्छा इतना ही काफ़ी है। हाँ, पूरे साल के लिए हो जाएगा, तो गाँव में कहते हैं ना कुछ नहीं होता है, मेहनत करने का सब कुछ होता है, वो आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिलता है। हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारे लायक हो जाता है। मम्मी जी की तबीयत तो खराब होगी, अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मेरी भी तबीयत खराब होने वाली होगी। अब मुझसे बोला भी नहीं रहा, इतना जुकाम हो गया ना, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब फिर भी जुकाम कम था, अभी 2-3 घंटे बाद तो और भी जुकाम बढ़ने लग गया। देखो भाई, अब ऐसा ना हो कि बुखार आ जाए, अब एक दो दिन हालत ख़राब ही रहेगी, और मौसम भी चेंज हो रहा है ना पूरा, आज हल्की फुल्की बारिश होने वाला हो गया था, हल्की सी बारिश लगी, अगर ज़्यादा बारिश होती तो जंगलों की आग पूरी बुझ जाती, और जो आपको धुंध दिख रही है उमस टाइप की, ये पूरी ख़त्म होती, पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं, थोड़ी बहुत ही बारिश हुई, और अभी पूरी धूप आ गई है, तो गाँव में इस तरीके से मौसम चेंज होते रहता है। आज है योगी का बर्थडे, तो आपको सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। पता है आपके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं वीडियो पर, क्या रहे? हैप्पी बर्थडे योगी, क्या बोलोगे? थैंक यू। गाइस आपके बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, मैंने सभी को थैंक यू बोला, और योगी ने भी आपको थैंक यू बोल दिया। सुबह से आज योगी शॉपिंग करने गए थे। हाँ। अच्छा, क्या क्या लेके आए? केक और कपड़े। केक, कपड़े, डबल टेप। डबल टेप, क्या करोगे डबल टेप का? चिपकाऊंगा गुब्बारों को। अच्छा, गुब्बारों को चिपकाओगे? हाँ। अच्छा, कब है बर्थडे पार्टी? शाम को? हाँ। चलो बढ़िया, तो आज आपको गाइस योगी की बर्थडे पार्टी देखने को मिलेगी। बाइक में जाने का सपना टूट गया है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम आए नहीं। मैं नहीं आया, तुम तो टैक्सी में चले गए थे यार। हाँ। गाड़ी में चले गए थे। तो गाइस यहाँ पे भाभी जी हैं और डिग्गू, यानी कि योगी की मम्मी। क्या कर रही तुम्हारी माता जी तुमसे? घर जाओ। क्या क्या करोगे घर जाके? पढ़ाई। हाँ, वेरी गुड, अभी पढ़ाई करो, फिर शाम को मस्त केक काटेंगे, फिर तैयारी करेंगे थोड़ी देर में, दोनों पढ़ाई करो जाओ। ऐसे भी पूरी शाम हो गई है और अभी अपने जानवर चरनी में ही हैं, तो हम लोग हैं डी एस भैया के घर के सामने, तो यहाँ पे डी एस भैया का घर है, तो आप सभी लोगों को पता है कि घर का काम चला था, घर बन गया, मैंने आपको पिछले ब्लॉग पे दिखाया था, तो अभी पूरा सामान बिखरा हुआ है ना। वहाँ पे देखोगे ढेर सारे खरगोश भाई, ये देख लो छोटे छोटे बच्चे, इतने सारे हैं भाई, यहाँ से देखो एक ये इतने सारे खरगोश वहाँ भी हैं, और छोटे छोटे बच्चे मेरे को दिख रहे थे, ये भाई खाते हैं आपको बाहर निकले भाई, ये देखो भाई छोटे छोटे खरगोश, हेलो बच्चों, अरे भाई उसके अंदर भी हैं छोटे छोटे, ये पानी पीने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी बूबू बता रहे थे कि 16 बच्चे हैं करके, मैं थोड़ा आपको आगे जाके दिखा रहा हूँ, बस भागे ना बाहर। ऐसे बाहर को आने लग गया, इसको बंद कर देते हैं भाई वरना भाग जाएंगे, इसको पूरा बंद कर देते हैं, अभी सारे अंदर चले गए,
तो ये लोग यहीं पे घास खाते हैं भाई, इनको बाहर नहीं खोल सकते ना। अभी बता रहे थे कि यहाँ पे खेत तो हैं पर ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर कहीं आसपास अगर चले गए ना इनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर ताड़बाड़ होती तो इनको इन वाले खेतों में खोलते, पर ये इतने ज़्यादा हैं अगर यहाँ से आगे कहीं खो गए ना मिलेंगे भी नहीं। और ये हैं गाइस घास के लूट। तो गाँव में इस तरीके से घास को स्टोर किया जाता है असवज के महीने में, और बाद में इसको फिर क्या करते हैं जब घास नहीं होती है, यानी कि कुछ महीने बाद घास नहीं होगी ना, तो इसी सूखी घास को खिलाते हैं। तो यहाँ पे अपने जानवर चल रहे हैं भाई, इनको अब घर ले जाने का टाइम हो गया। योगी की बर्थडे की तैयारी चल गई, तो योगी देखो अपने बर्थडे में खुद ही गुब्बारे फुला रहा है। गाइस घर पे तो लाइट आई हुई नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं सौर ऊर्जा से काम चला रहे हैं भाई। और डिग्गू यहाँ पे क्या कर रहे हो, गुब्बारे चिपका रहे हो। ये कौन सा डिजाइन है भाई, ऐसे लगेंगे गुब्बारे? तो हैप्पी बर्थडे कहाँ पे लगेगा, यहाँ बीच में। बीच में ये रहा गाइस हैप्पी बर्थडे, भी उल्टा किया रखा है हम लोगों ने। ये नहीं है। अच्छा इतने गुब्बारे फुलाने हैं। चलो गाइस योगी की हेल्प करते हैं गुब्बारे फुलाने में, वरना योगी की सारी हवा निकल जाएगी। अभी बच्चों के आने में टाइम है, पर योगी अभी से तैयारी में लगे पड़े हैं। अच्छा ये वाला हैप्पी बर्थडे, ये रहे ढेर सारे गुब्बारे, अब फुलाते हैं, ट्राई करते हैं। जुकाम तो लगा हुआ है पर क्या फूलेगा। हाँ भाई और ज़ोर से, इतनी हवा योगी के बर्थडे के लिए, इतनी हवा पिछले साल के लिए है ना योगी। गाइस योगी ने भी कैमरा पकड़ा हुआ है और डिग्गू ने लाइट पकड़ी हुई है, तो देख सकते हो घर में लाइट ना होने की वजह से एक सीन को शूट करने के लिए तीन लोगों की जरूरत पड़ी है। अब मैंने दोबारा फुला दिया, अब इस तरीके से गांठ लगाएंगे, अभी ऐसा ना हो कि फूट जाएगा। मैं जुकाम से बहुत हालत ख़राब हो गई है, एक दो दिन में बीमार पड़ने वाला हूँ। जी लो गाइस फूल गया गुब्बारा। गाइस यहाँ पे ढेर सारे गुब्बारे रखे हुए हैं, ये सारे फुलाते हैं। ये देखो गाइस ये लाइट है जिससे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। गाइस योगी के जन्मदिन की तैयारियाँ पूरी हो गई है, योगी पूरे तैयार हो चुके हैं। और ये रहा गाइस योगी का केक, और यहाँ पे नमकीन बिस्किट, बाकी यहाँ पे टीका। अभी सारे बच्चे आ रहे हैं। कैसी हो बहनी तुम? बढ़िया। देखो गाइस पीछे जो आपको डेकोरेशन दिख रही है वो सारी डिग्गू ने कर रखी है, काफी अच्छा लग रहा है। अभी जब सारे बच्चे आएंगे तब केक कटेंगे, ठीक है। हेलो गीतू कैसी हो? बढ़िया। तो गाइस सारे बच्चे आ गए हैं, तो योगी बिल्कुल तैयार है केक कट करने के लिए। ये देखो छोटी सी बाबू लक्कू।
गाइस योगी का बर्थडे भी हो गया, खूब सारा डांस किया और खाना भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जुकाम से थोड़ी हालत ख़राब है। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्त के परिवार के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।